वेलकम टू गांधी एकेडमी। आस दो शब्दों से बना है, सम और आस। सम शब्द का अर्थ है पास और आस शब्द का अर्थ है रखना, अर्थात शब्दों को पास पास रखना। इसका अर्थ यह है कि शब्दों को पास पास रखना। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, भारत एक शब्द है और वासी एक शब्द है। इन दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द यानी नवीन शब्द भारतवासी बनाने की प्रक्रिया को हमें समास कहते हैं। और एक उदाहरण है, विश्व एक शब्द है और भाषा एक शब्द है। इन दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द विश्व भाषा बनाने की प्रक्रिया को हमें समास कहते हैं। समास को जानने के पहले कुछ शब्दों पर ध्यान देना है। वे है समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। पहले हमें समस्त पद किसे कहते हैं। सामासिक प्रक्रिया के द्वारा बनने वाला नया शब्द को समस्त पद कहते हैं। इसे हमें सामासिक शब्द भी कहते हैं, माने समस्त पद को हमें सामासिक शब्द भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, भारत एक शब्द है और वासी एक शब्द है। इन दो शब्दों को मिलाकर सामासिक प्रक्रिया के द्वारा एक नया शब्द बना है भारतवासी। इस भारतवासी शब्द को हमें समस्त पद कहते हैं, यानी सामासिक शब्द भी कहते हैं। दूसरा है पूर्व पद। पूर्व पद किसे कहते हैं। समस्त पद में आया हुआ पहला पद को हमें पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद को पहला पद भी कहते हैं। तीसरा है उत्तर पद। समस्त पद में दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण के लिए, भारतवासी समस्त पद है। इसमें पहला शब्द भारत और दूसरा शब्द वासी है। भारत को हमें पूर्व पद कहते हैं और वासी शब्द को हमें उत्तर पद कहते हैं। कभी कभी समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और कभी कभी समास में उत्तर पद की प्रधानता दी जाती है। चौथा है समास विग्रह। समस्त पद को अलग अलग लिखने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे भारतवासी एक शब्द है और इस शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को हमें समास विग्रह कहते हैं। भारतवासी को हमें भारत के वासी लिखना है, यानी भारत के वासी लिखते हैं। समास छह प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान है तथा कारक चिह्नों के द्वारा अलग किया जाए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। माने तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और समास विग्रह में कारक चिह्नों का प्रयोग करते हैं। कारक आठ प्रकार के हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक के अलावा अन्य कारक चिह्नों का लोप होता है समस्त पद में। कर्मा कारक से लेकर अधिकरण कारक तक चिह्नों का प्रयोग करते हैं समास विग्रह में। कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण है, मन भावन, मन को बाने वाला, मनोहर, मन को हरने वाला, माकन चोर, माकन को चुराने वाला, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। समस्त पद में को चिह्न का लोप है। जब हम समास विग्रह कर रहे हैं, को चिह्न का
प्रयोग होता है। इसे हमें कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। करण कारक का चिन्ह है से। उदाहरण कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। नीति युक्त, नीति से युक्त। रस भरा, रस से भरा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। समस्त पद में से चिन्ह का लोप हुआ है, इसे हमें करण तत्पुरुष समास कहते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। उदाहरण पाठशाला, पाठ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। शासन नियम, शासन के लिए नियम। समस्त पद में के लिए का लोप हो तो संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह है से। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पत भ्रष्ट, पत से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। समस्त पद में से चिन्ह का लोप हुआ है, करण तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास का चिन्ह से है। करण तत्पुरुष समास में उसके द्वारा कार्य होने की भावना प्रकट होती है, अपादान तत्पुरुष समास में अलग होने की भावना प्रकट होती है। संबंध कारक के चिन्ह है का, के, की। उदाहरण के लिए गंगा जल, गंगा का जल। स्वराज्य, स्वयं का राज्य। जीवन काल, जीवन का काल। जल चोर, जल का चोर। यात्रा वर्णन, यात्रा का वर्णन। परीक्षा फल, परीक्षा का फल। नर समास, नर का समास। समस्त पद में के चिन्ह का लोप हो, ईश्वर भक्त, ईश्वर के भक्त। चरण चिन्ह, चरण के चिन्ह। भारतवासी, भारत के वासी। लोकगीत, लोगों के गीत। अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष के यात्री। की चिन्ह का लोप, विश्व भाषा, विश्व की भाषा। राजकुमारी, राजा की कुमारी। इस तरह समस्त पद में का, के, की चिन्हों का लोप हो तो संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह है में, पर। समस्त पद में इन चिन्हों का लोप होता है, समास विग्रह में ये चिन्हों के प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ग्रामवास, ग्राम में रहने वाला। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। समस्त पद में पर का लोप हो तो अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इस तरह कारक चिन्हों के द्वारा तत्पुरुष समास में समास विग्रह किया जाता है। यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कीजिए।